रतिपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां एक भी आदमी गरीब नहीं था। एक दिन उस गांव के किनारे पर एक आदमी रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है, और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहां से आए हो? मैं तो पास के एक दूसरे कस्बे में रहता था, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ रह जाऊँ। ठीक है, और तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा हुआ घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो तुम उस पुराने घर में रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस कस्बे में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। वो क्यों प्रधान जी? इस कस्बे में कोई भी आदमी गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो, कस्बे वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं मेरे साथ काफी सारे पैसे लेकर आया हूँ, तो आप मेरे गरीब होने की फिक्र मत करिए, मैं वो घर एक नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम के तलाश में आए हो। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, जब मैं घर बनाऊंगा तब मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपसे पूछताछ करने के लिए आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम उसे खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो कस्बे के बाहर से बुलाने होंगे, तुम फिक्र मत करो, आज का दिन उस घर में निकालो, मैं सुबह होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चला जाता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस कस्बे के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया आदमी आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं पैसे बहुत हैं, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाएं? मोहित पूरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि बहुत पैसे लाए हैं उसने। क्यों प्रधान जी? ठीक समझा है तुमने। ओ, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था, आप बस इसे ठीक से बना दीजिए। फिकर मत करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चक्का चक। ठीक है भैया, और पैसे की फिक्र मत करिएगा, मैं सारे पैसे काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े चालाक हो भैया।
चल मोहित साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। वो दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित मोहित, कहां गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, मगर उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर वो रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। थोड़ा शांत हो जाए और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो दो लोगों को भेजा था, उन्होंने सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और यहाँ से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उसमें? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर यहाँ पर आया था और इस कस्बे में नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही बुरी बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है तो उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है। लगता है आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चली गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चली गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आ जाओ ललित मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। जब भी करो भैया, पैसों की इतनी लालच अच्छी नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, एहसान किया है हमने तुम पर, पैसों की लालच से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की ओर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे, एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस कस्बे के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद ठीक कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो, गजब की बात है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूँ। लच्छू अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया? तुम भी तो परेशान हो, मैंने तो खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लो इससे। क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोला। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूँ और मांग सकूँ। अपनी मर्जी से जो ठीक समझो वही दे दीजिए। ठीक है, तो जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना बड़ा घर आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया, मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे ले लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी
वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में बहुत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों की कमी ना हो। अगर तुम्हारे अलावा अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो उसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी। अरे भैया, फिक्र क्यों करते हो, ऊपर वाले का नाम लो और काम करो, फिर जो होता है वो करो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। अरे वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रख कर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए बहुत चक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी। प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है, आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? बेहतरीन बेहतरीन है ये महल, कहाँ से तुम्हें मिला ये? आपसे मतलब? अपने काम से काम रखो और चले जाओ यहाँ से। इस महल पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में, और ये संदूक जो वहाँ दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, ठीक कह रहे हैं, वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छिपा कर रखा था। इतना बेहतरीन खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक उस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह, चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत खोलो, इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझाए क्या? लच्छू की बात काट कर प्रधान ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं, और वो जैसे ही उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले, और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा।